हेलो एंड वेलकम। और हम पहुंच गए हैं वाशिम फाइनली। कल मैंने कुछ वीडियो शूट करने की कोशिश की, इंस्टाग्राम पे डाला, बट इट हैज़ फेल्ड। इट सीम्स बड़ा बुरा लगा मुझे, बट एनीवेज जर्नी तो अच्छा रहा। 8 साढ़े 8 घंटे में हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पर, और फिर थोड़ा टायरिंग हो गया था तो रात को तो सो गए थे बस खाना करके। और अब हम पैकिंग के लिए तैयार हैं। हमारे सारे जो लोग हैं वो भी आ गए हैं, तैयार हैं। हम लोग भी अब पहुँच जाएंगे। तो एक जनरली 10 घंटे में हो जाती है पैकिंग, 10 से 12 घंटे में। तो मैं होपफुल हूँ कि इस बार जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ निकलते समय बहुत सारा पैकिंग करके रखा था। तो चलते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको कैसा है ये पैकिंग का डे आज हमारा। चलिए। जो मुझे लग रहा था कि इसके पैकेजिंग में काफ़ी टाइम लग जाएगा, वो हुआ नहीं। ये ऑलमोस्ट इन्होंने शुरू किया ऑलमोस्ट 9:30 के आसपास, और अभी 12 बज रहा है और मोस्ट ऑफ द पैकिंग हो चुकी है। ऑफकोर्स लोडिंग में थोड़ा टाइम जाएगा, बट बोल रहे हैं कि 4-4:1 बजे तक इनका सारा हो जाना चाहिए। तो मैं आपको अपडेटेड रखूँगी, मैं उसका भी वीडियो बनाऊँगी किस तरह से लोग अपलोड कर रहे हैं और किस तरह से कितना सामान हमारा हो गया है। हमने कंटेनर ट्रक मंगाया था। ओपन ट्रक्स मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि फिर उसमें से सामान डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बारिश की वजह से कई बार सामान गीला हो जाता है, और आपका फर्नीचर वगैरह हो तो फिर ख़राब हो जाता है वो सब। तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है इसका, लेकिन आई डोंट माइंड इट, क्योंकि फिर आपका सामान तो बड़ा है इसलिए। तो जैसे ही इनका सारा पैकेजिंग पूरा होता है, मैं आपको दिखाती हूँ कितना हो गया है सामान और किस तरह से ये लोडिंग करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय। दिस इज द स्टेट ऑफ लोडिंग दैट looking after package और सारा सामान हमारा ये पैकेट, इसका थोड़ा सा पैकिंग हो जाएगा अभी। ये हमारा सारा सामान जो कि कुछ इस तरह से। सो दिस इज हैपनिंग। समहाउ द डोर इज स्मॉलर देन द ट्रक दैट वी हैव ऑर्डर्ड, एंड नाउ वी आर स्ट्रगलिंग टुगेदर इन। So let's hope that they're successful. This is almost कितना 3-4 बार हो गया है वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इसको अंदर लाने में। होपफुली इस बार वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। चलो देखते हैं। एंड फाइनली वो आ गया अंदर, सो हैप्पी। दीज पीपल आर एक्सलेंट, दे कैन मैनेज एनी थिंग एनी वेयर। सिंपली मस्त से अंदर लेके आए हैं, जबकि जगह थी जहाँ से दूसरी जगह से ला सकते थे, बट ना तो फाइनली पैकिंग पूरी हो गई है और सामान निकल गया है, ट्रक निकल गया है हमारा। और जैसा कि मैंने सोचा था कि ये जल्दी पैकेजिंग हो जाएगी, बट नहीं, फिर भी हम लोग को 10 घंटे लग गए। ऑलमोस्ट 6:30 फाइनली ट्रक निकला यहाँ से। और ऑफकोर्स जैसे अंदर आने में तकलीफ हुई थी, वैसे बाहर जाने में भी उस ट्रक को काफ़ी तकलीफ हुई, बट फाइनली वो निकल गया है। और यहाँ से अभी तो बोल रहे हैं 4-5 दिन में सामान मिल जाएगा, बट आई डोंट नो, कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड, हफ्ते भर में होपफुली मिल जाना चाहिए सामान। तो देखते हैं। और बड़ी अजीब सी फीलिंग है, बड़ा मायूस सा लग रहा है। घर खाली हो गया है और उस घर में रहे 1-1.5 साल लोगों से लगाव हो गया था, जगह से लगाव हो गया था। तो अब उस घर को फाइनली जो छोड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, बट लाइफ मूव्स ऑन एंड सो डू वी। तो अब अगली जो डेस्टिनेशन है उसकी ओर देखा जाएगा और उसकी प्रिपरेशन में लग जाएंगे, उसकी तरफ अपना रुख करेंगे। और फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें बदलती हैं और क्या क्या देखने को मिलता है। आपको भी अपडेटेड रखेंगे टिल दैट टाइम। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय।